हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंदनलाल नर्सरी में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने घर पर जो है चंदन के बीज से जो है पौधा कैसे उगा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जो है, अगर आप ऐसी लेटेस्ट जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड चंदन का जो है एक क्यूट सा पौधा। ये जो है मैंने लगभग एक साल पहले बीज से उगाया था। तो इसके जो फुल डिटेल थी उगाने से लेकर के जमने तलक की, वो जो है मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो आप भी अपने जो घर पर है आसानी से पौधा उगा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूँ, चंदन जो है दो प्रकार का होता है, वाइट चंदन और रेड चंदन। रेड चंदन रक्त चंदन होता है, इसको रक्त चंदन भी कहते हैं। और वाइट चंदन, वाइट सैंडलवुड, ये इसको भी कई नामों से जो है जाना जाता है। हर जगह पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के चंदन जो हैं ये ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये पौधा मैंने उगाया था, तो इसकी जो है फुल डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि चंदन भी उन सभी पौधों में आ चुका है जो पौधे हमारे यहाँ से 30% जो हैं विलुप्त हो चुके वाले हैं। लगभग मानना हमारा ये है कि ये पौधे जो हैं अब बहुत ही कम मात्रा में जो हैं लगाए जा रहे हैं। जो पहले पौधे थे वही हैं और पौधे जो हैं नए पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक पौधा लगा कर प्राकृतिक की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रयास मेरी तरफ से, और आप भी प्रयास करें, क्योंकि मुझे पता है आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा उगाने का तरीका जान लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने बीज ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है पानी है। अभी मैं आपको इसको निकाल करके पानी को, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसका पानी निकाल देता हूँ। हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने अपने जो है चंदन के बीज जो है निकाल लिए हैं। ये देख सकते हैं इसके जो बीज होते हैं वो चौखुटे से छेपटे प्रकार के होते हैं। अगर आप इनका वाटर टेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं पानी के ऊपर रह जाते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये शायद बेकार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने इसकी वाटर में जो है इसको हमने रख दिया था। लगभग इसको अगर आप पानी में रखते हैं तो आप इसको लगभग 3 दिन के लिए रखना। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है इसमें ये हम इसका जो है छिलका उतर रहा है, देख सकते हैं। तो ये इसमें जो उतरने की जो है ये लगभग इसलिए है, जब इस प्रकार से आपके हो जाए 3-4 दिन में आप भी इसको जो है बो सकते हैं। तो इसको जो है इसके अंदर जो है आपको कोई भी ऐसी सड़ने वाली चीज़ डाल देनी है, जैसे कि केले का छिलका वगैरह, फल वगैरह जो आपके यहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं उसका छिलका वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। तो उस जब आप उसको डालने के बाद इसको इसके अंदर जो है बीज डालेंगे तो ये जो है बीज पानी में नीचे बैठ जाएगा। अन्यथा अगर आप बगैर कुछ डाले ही इसके अंदर डालेंगे, बीज को डालेंगे कोई सड़ने वाली चीज़ नहीं डालकर, तो आपका जो है बीज ऊपर ही रहेगा। तो आप ये ना समझें कि ख़राब हो गया है, बीज ख़राब है हमारा, इसको ऐसे ही रहने दें। 4-5 दिन ऐसे ही रहने के बाद आपका जो बीज है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उगने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ ही समय के बाद वो नीचे चला जाएगा। तो ये तो थी बीज की प्रोसेस, अब हम आपको स्केल लगाने की विधि बता देते हैं। चलिए, आपको जो है अगर आप पहली बार पौधा उगा रहे हैं बीज से, तो आपको जो है ज़्यादा बीज लेने की आवश्यकता होगी। आप कम से कम समथिंग 20 बीजों से जो है इसकी शुरुआत कीजिएगा। तो आप जो है इस प्रकार से जो है पॉलीथीन के अंदर इसको लगा सकते हैं। इसकी जो नीचे की जो परत है वो पूरी मिट्टी से मिल जानी चाहिए। ये देख सकते हैं मैं इसमें किस प्रकार से लगा रहा हूँ पौधे। ये अभी मैंने 3 बीज इसके अंदर लगा दिए हैं, और अभी मैं ये और बीज और पॉलीथीन के अंदर लगा दूँगा, और
अब मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ढक देता हूँ, आप भी इस प्रकार से ढकें और पानी का जो है खास ध्यान रखें, इसके अंदर पानी नहीं भरना चाहिए अन्यथा आपका बीज जो है ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पॉलीथीन में बीज भर दिया है। अब और ये जो सारे बीज हैं मैं इनको भी पॉलीथीन के अंदर लगा देता हूँ। इनको पॉलीथीन के अंदर लगाने के बाद फिर जो कुछ पौधे जमेंगे इसके में उस मैं वो पौधे आपको देख सकते हैं दिखाऊंगा। आप हमारे जो हैं छोटे से क्यूट से जो पौधे हैं ये तैयार हो चुके हैं और देख सकते हैं आप कितने अच्छे जो हैं देखने में लग रहे हैं। अभी मेरी एक उंगली के साइज के बराबर ही ये हुए हैं, देख सकते हैं ये पौधा भी देखो कितने अच्छे प्रकार से जो है ग्रो कर रहा है। देख सकते हैं अभी ये इतना छोटा सा पौधा है लेकिन कितना क्यूट सा पौधा है। ये भी देख सकते हैं अभी ये बहुत ही जल्दी में जल्दी इसने बहुत जल्दी से जो गिरा हुआ है, देख सकते हैं कितना पतला पौधा है। और अगर आपके चंदन में कुछ भी रोग वगैरह आता है तो उस पर मैं वीडियो इस जो रोग पर है जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो इसमें जो आपके पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं इस पर मैं जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपने पौधे देख ही लिए होंगे, आप भी घर पर उगा सकते हैं आसानी से। Thanks for watching.